देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो स्पीकर है उसमें इस प्रकार का हमिंग आ रहा है, और यहाँ पे जो आईसी है दोस्तों बहुत हीट हो चुका है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बेस ट्यूब एम्पलीफायर को रिपेयर करके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेरे पास एक बेस ट्यूब आया है उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें साउंड नहीं देता है, तो मैंने बेस ट्यूब के बीच वाला पार्ट को हटा दिया है और ये स्पीकर और यहाँ पे इसका जो मदरबोर्ड इसको बोल सकते हो उसको मैंने निकाल रखा है। तो ये जो आप बेस ट्यूब का ये बोर्ड देख रहे हैं उसका बेस ट्यूब कुछ इस प्रकार से दिखता है, जो कि यहाँ पे 8 इंच का एक बूफर स्पीकर लगा हुआ है। और इस बेस ट्यूब में काफ़ी फंक्शन दिया गया है, जैसा कि यहाँ पे 110 वोल्ट से 240 वोल्ट आप एसी से डायरेक्ट इसको चला सकते हो, और यहाँ पे 12 वोल्ट डीसी से आप 24 वोल्ट डीसी इसमें दे सकते हो, और यहाँ पे आपको मेमोरी कार्ड यूएसबी और लेफ्ट राइट इनपुट आप इसमें दे सकते हो। साथ में आपको बेस टेबल मिलता है और यहाँ पर आपको IR सेंसर और यहाँ पर ऑडियो इनपुट और ये नेक्स्ट का और बैक का और प्ले पॉज का यहाँ पर बटन है, और ये ऑन ऑफ का मेन स्विच बटन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सप्लाई दिया गया है दोस्तों इसमें पावर सप्लाई इसमें इनबिल्ट है, और यहाँ पे बैक साइड में ये आईसी देख रहे हैं दोस्तों, इस आईसी का जो नंबर है हमारा TA8211। तो ये जो आईसी होता है दोस्तों ये ब्रिज मोड पर इसको यूज किया गया है, हालांकि ये आईसी डुअल चैनल का भी होता है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए, मेरे पास यहाँ पे इसका कनेक्टर नहीं है तो मैं वायर को सोल्ड करके फिर मैं इसको चेक करूँगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे मैंने वायर को कनेक्ट कर लिया और डायरेक्ट मैं इसको 220 वोल्ट एसी दूंगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी है और यहाँ पे इसका पावर सप्लाई है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम इसको सप्लाई देते हैं और फिर इसको चेक करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम हमारा कैसा आ रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो स्पीकर है उसमें इस प्रकार का हमिंग आ रहा है, और यहाँ पे जो आईसी है दोस्तों बहुत हीट हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा प्रॉब्लम है ये आईसी से ही है, और हीट सिंक जो है बहुत गर्म हो चुका है, क्योंकि ये जो हमारा आईसी है बिल्कुल तरीका से ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पे हम इस आईसी को चेंज करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर मैं न्यू आईसी को लगाऊँगा, तो यहाँ पर रहा मेरा न्यू आईसी। तो ये जो आईसी है उसका नंबर आप देख लीजिए, ये तुसीबा कंपनी का है आईसी, और ये जापान का कंपनी है, सब कुछ इसमें डिटेल्स में दिया गया है, और TA8211 इस आईसी का नंबर है। और ये आईसी कुछ इस प्रकार से बने होते हैं, ये काफ़ी पावरफुल होते हैं। और इसका अगर वाटेज की बात करूँ दोस्तों तो ये सिंगल चैनल पे 6 वाट आउटपुट करता है, और ब्रिज मोड पे दोस्तों ये लगभग आपको 25 से 28 वाट का आउटपुट देता है। ठीक, तो चलिए फटाफट हम यहाँ पर इस आईसी को खोल के न्यू वाले आईसी को लगा देते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे खराब आईसी को निकाल लिया है, और अब मैं यहाँ पे नए वाले आईसी को यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे न्यू आईसी को लगा दिया है, और चलिए यहाँ पे अब हम फिर से इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम इसमें अब सप्लाई देते हैं। तो दोस्तों मैंने इसमें सप्लाई दे दिया है, और ये पहले की अपेक्षा से हमारा यहाँ हमिंग नहीं कर रहा है और आईसी भी हीट नहीं हो रहा है, देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इसको यूएसबी लगाकर चेक करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखें, अगर आप इस प्रकार से इसको रिपेयर करते हो तो ये पूरा खुला कंडीशन में है, यहाँ पे आपको करंट भी लग सकता है, तो यहाँ पे आप सावधानी से काम करें। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है सॉन्ग प्ले हो चुका है।
दोस्तों यहाँ पे जो इसका साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, और जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि यहाँ पे इसका जो आईसी का प्रॉब्लम था, तो यहाँ पे मैंने आईसी को चेंज करने के बाद यहाँ पे हमारा बहुत अच्छे से ये काम कर रहा है। और दोस्तों ये इसका जो साउंड क्वालिटी है मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इस आईसी के ऊपर मैं एम्पलीफायर बनाऊँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं विदाउट पीसीबी का इसका मैं एम्पलीफायर बना दूंगा। एक चैनल पे लगभग 6 वाट आउटपुट करता है, और इसको ब्रिज मोड पर करता है तो लगभग 25 वाट का आउटपुट करता है डाटा शीट के अनुसार मैंने जब इसको देखा। तो यहाँ पे आईसी का प्रॉब्लम था इसमें दोस्तों, तो आईसी को मैंने चेंज करने के बाद यहाँ पे जो इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो अगर आपके पास भी ऐसा प्रॉब्लम है तो इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।